नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के ondairway.com के इस रेडियो वीडियो में। दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता है और आप नए वीडियो से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपके मित्रगण जो हैं, जो आपके टच में हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, वो भी हमारे नए वीडियो से अवगत रहेगा और उनको भी नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों एक काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसको कि ब्लोटिंग कहते हैं, यानी कि पेट का फूलना, और ये बड़ी असहज सी स्थिति होती है दोस्तों। काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं हम इसमें, और पेट फूलना या फिर ब्लोटिंग जिसे हम कह रहे हैं, इसमें पेट सूजा हुआ सा दिखाई देता है और इसमें मोस्टली छोटी आंत में गैस भर जाती है। और पेट फूलना एक संकेत हो सकता है कि खाया गया भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं हुआ है। पेट फूलने की समस्या उन महिलाओं में भी देखी गई है जिन्हें पीरियड शुरू होने वाले हों। आप चाहें तो पेट फूलने की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज हम आपको एक ड्रिंक की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ में, जिसका नाम सैसी वाटर है। यह ड्रिंक फूले हुए पेट तथा ब्लोटेड बैली से निजात पाने में रामबाण है। ये ड्रिंक आपके शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरीज को ख़त्म करेगी और फैट बर्न में आपकी मदद करेगी। ये ड्रिंक आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भूख न लगना और ब्लोटिंग जैसे पेट से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाएगी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसकी सामग्री क्या है और इसको बनाने की विधि क्या है। सामग्री में दोस्तों आपको ज़रूरत होगी 2 लीटर पानी, 12 छोटी पुदीने की पत्तियाँ, 1 टीस्पून ताज़ा कद्दूकस किया अदरक, 1 कटा हुआ नींबू, 1 छिला हुआ और कटा हुआ खीरा। और दोस्तों इसको कंज्यूम करने की विधि बता देते हैं आपको। ये सारी सामग्री जो आपको बताई गई है, इसको एक साथ मिक्स करें और आपकी ड्रिंक सेवन के लिए तैयार है। दिन में 8-10 गिलास इस ड्रिंक का सेवन करें और आपकी ब्लोटेड बैली की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको बैली ब्लोटिंग की समस्या है तो आप ये ज़रूर करके देखें और आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद ने हमें हर चीज़ का हल दिया है, बस ज़रूरत है हमें उस हल को पहचानने की, उस सॉल्यूशन को पहचानने की। तो आज की ज़रूरत है हमें कि हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अपना रहन सहन चेंज करें, खाना पीना चेंज करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करें, अगर आपको किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो हम ज़रूर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शीघ्र नए वीडियो में। नमस्कार।